नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई मेहनत से कर रहे होंगे, अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि बिहार में TET का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी परीक्षा होने वाली है, और उसका मैंने सिलेबस देखा है तो उसमें जो भाषाई पाठ्यक्रम है, भाषा का सिलेबस है, लैंग्वेज का, उसमें 25 नंबर की तो इंग्लिश है और 75 नंबर की हिंदी है। सोचने की बात है, 100 नंबर सिर्फ लैंग्वेज से आएगी, ठीक है? यानी कि लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए 100 नंबर प्रयोग किया गया है बच्चे को लाना है, जिसमें से 25 नंबर की तो अंग्रेजी होगी और 75 नंबर की हिंदी होगी। तो यदि हिंदी में पारंगत होना है और वो भी हिंदी में भी पैडागोजी से संबंधित और जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत सरलता से समझा दूंगी। यदि आप लोग लगातार मेरी वीडियो देखते रहेंगे रोज़ाना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और 75 नंबर फिक्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मैं इतना दावा करती हूँ, ठीक है? तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। आज मैं सिलेबस समझाऊँगी सिर्फ हिंदी भाषा की, मैं हिंदी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, और पूरा का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी का सिलेबस लिया है, जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको समझाने के लिए। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आएगा हिंदी से संबंधित। बहुत सरल होगा आपका, 75 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। आइए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है हिंदी के। तो ये भाषाई पाठ्यक्रम से लिया है मैंने, 100 नंबर की लैंग्वेज होगी, जिसमें से 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी अनिवार्य है, और जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो होगी हिंदी, उर्दू या बंगला। आप वहाँ के कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, यानी कि सेकंड जो चॉइस है, नीचे तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है, उसमें बहुत सारी भाषाएं दी हुई हैं, जिनके जो कि सामान्य ज्ञान के तौर पर उसका जो है पेपर आएगा। लेकिन जब भाषा की यदि बात करें तो यही तीनों हैं यहाँ पर, और इसमें से आपको एक लेना है, और जो भी आप लेंगे वो 75 नंबर का होगा, ठीक है? यानी हिंदी लेते हैं तो वो भी 75 नंबर की होगी, उर्दू लेते हैं वो भी 75 की होगी, बंगला भाषा लेते हैं वो भी 75 नंबर की होगी। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है आपकी पढ़ाई, यानी कि 75 नंबर फिक्स करना है। तो रोज़ाना मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ाना पढ़ते रहिए, ठीक है? एक नंबर मिस नहीं होगा आपका, ठीक है? 75 नंबर फिक्स हो जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि भाषा में, हिंदी भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा। ये मैंने बोर्ड पे आपकी सुविधा के अनुसार लिख रखा है, भाषा शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो लैंग्वेज पैडागोजी होती है उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसमें से पूछा जाएगा भाषा कौशल को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, यानी कि भाषा लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए जो बच्चा होता है छोटा सा, मान लिया मैं प्राइमरी की बात करूं, तो उसे सुनना नहीं आता कि कितनी देर सुनूं, कैसे समझूं, तो उस चीज़ को कैसे बच्चा समझेगा, ये आपको उसमें ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा, ठीक है? जो कि मैं पढ़ाऊंगी, अच्छे से तैयार करवा दूंगी आपकी। दूसरा है संप्रेषण कौशल का विकास, बातचीत होती है आपस में, कन्वर्सेशन होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, संप्रेषण माने बातचीत, ठीक है? उसकी स्किल का डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे में, इससे संबंधित प्रश्न आएगा। तीसरा है व्यावहारिक व्याकरण की समझ, व्यावहारिक व्याकरण, ये सारे के सारे व्यावहारिक व्याकरण है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है, और कारक काल वचन पर्यायवाची मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह वगैरह, जो भी व्याकरण है वो सब व्यावहारिक व्याकरण होता है, ठीक है? इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और उसके बाद चौथा है भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों, विसंगतियों का समाधान करना। भाषा शिक्षण में, भाषा सीखने में जो समस्याएं आती हैं बच्चे के सामने, उसका आप समाधान कैसे करोगे, ठीक है? जो समस्या आती है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। पांचवा है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग एवं समझ, ये टीचिंग एड मटेरियल जो होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, यानी कि पढ़ाने के लिए
जो हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं वो हमें कहाँ प्रयोग करना है, किस सहायक सामग्री से हमें बच्चे को क्या सिखाना है, ठीक है, उसकी हमारे अंदर समझ होनी चाहिए, जो कि मैं अच्छे से पढ़ा दूंगी आप लोगों को। छठा है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का को अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है, उपचार का मतलब उपचार होता है ना, जैसे डॉक्टर पहले मरीज को देखता है यानी निदान करता है, उसके बाद उसके निदान करने के बाद ढूंढता है कि क्या क्या इसके लिए मुझे ज़रूरत है चीज़ों की, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका उपचार वो करता है। ऐसे ही उपचारात्मक शिक्षण का एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि मतलब ऐसे बच्चे जो कि पिछड़े हुए होते हैं या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या पढ़ाई में ठीक हैं फिर भी पढ़ते नहीं हैं, तो उसका कारण ढूंढना, कारण ढूंढ करके उसका समाधान ढूंढना, और समाधान ढूंढने के बाद उस बच्चे को एजुकेट करना, वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो ये मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। सातवां है अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा आपके परीक्षा में। अपठित गद्यांश पद्यांश आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण में होता है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम से नहीं होता है, हमारी पाठ्यपुस्तक से नहीं होता है, लेकिन वो आ जाता है, उसको देख करके हमें उसका जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर लगाना होता है। तो ऑप्शनल होगा, आपको एक चॉइस जो उसमें चूज करना होगा कि कौन सा वाला सही है, उस पर टिक राइट करना है, गोला भरना है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। आठवां है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। यदि आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं, कैसे कौन कौन से सिद्धांत का आप पालन करोगे, और उसके पढ़ाने के लिए जो विधियाँ होती हैं, तरीके होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा तरीका आप अपनाओगे, कौन सा शिक्षण देने के लिए, ये सारा का सारा मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी। उसके बाद है अगला है भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। यदि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, अधिगम माने सीखना, तो हमें उसमें व्याकरण की भूमिका क्या होती है, ये व्यवहारिक जो व्याकरण है इसकी क्या भूमिका होती है भाषा सीखने में, ये हम खूब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है गद्यांश साहित्यिक वैज्ञानिक विवरणात्मक या प्रासंगिक पहलू से हो सकते हैं। जो गद्यांश पद्यांश आएंगे ये साहित्यिक भी हो सकते हैं, हमारी साहित्य से भी लिए जा सकते हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके की भी हो सकते हैं, विवरणात्मक भी हो सकते हैं, जैसे लगेगा ब्यौरा दे रहे हों, ठीक है ना, अप्रासंगिक भी हो सकते हैं, अलग से भी हो सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, यानी कि ऐसे आ सकते हैं जो कि आपके पेपर में होंगे, आपसे उससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये था पैडागोजी यानी कि भाषा शिक्षा शास्त्र था ये, और अब हम देख लेते हैं कि व्यवहारिक व्याकरण में हमसे क्या पूछा जाएगा पेपर में। तो व्यवहारिक व्याकरण में संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, क्रिया विशेषण होगा, लिंग होगा, वचन होगा, कारक होगा, काल होगा, व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम माने व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति उत्पन्न होना है ना, शब्द से शब्द उत्पन्न होना, वाक्य से वाक्य उत्पन्न होना, मैं पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। पर्यायवाची पूछा जाएगा, मुहावरे पूछा जाएगा, शब्द संयोजन पूछा जाएगा, लोकोक्ति पूछी जाएगी, शब्द युग्म पूछे जाएंगे, और जो कुछ पूछे जाएंगे मैं इतना पढ़ा दूंगी। मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है हिंदी लैंग्वेज के लिए, इनके लिए बना रखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके मेरे चैनल के पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसा कि संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा क्या होता है, नाम को संज्ञा कहते हैं, इसके तीन भेद होते हैं, वो मैं सारा का सारा पढ़ाऊंगी। सर्वनाम जो संज्ञा की स्थान पर आते हैं, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, नाम की जगह पर, ठीक है। क्रिया होता है, कार्य होता है हमारा, जो हम काम कर रहे होते हैं उसे क्रिया कहा जाता है, पढ़ना लिखना, रोना गाना, खाना पीना, सोना जागना, चलना उठना बैठना, है ना, ये सब क्रियाएं हैं। विशेषण माने विशेषता होती है, किसी को अच्छा कहो या बुरा कहो, काली कहो या गोरा कहो, मोटा कहो या पतला कहो, जो कुछ कहोगे वो आप उसकी विशेषता है ना। उसके बाद लिंग होता है, लड़की हो, लड़का हो, या कुछ भी नहीं हो, दोनों में से क्या हो, ठीक है ना, वो होता है। वचन होता है, वचन माने एक दो तीन, तो हिंदी में तो दो वचन होते हैं, संस्कृत में तीन होता है, ठीक है ना, तो हिंदी में एक वचन द्विवचन होता है, संस्कृत में एक वचन द्विवचन जो है तीन वचन भी होता है, ठीक है। और उसके बाद कारक है, कारक का मतलब होता है जिसका संबंध क्रिया से सीधे हो, जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा रावण को, यानी कि मारना जो क्रिया है उसका सीधा संबंध किससे है, राम से, राम ने मारा है रावण को,
ठीक है, उसे कारक कहते हैं। मैं पढ़ा दूंगी बहुत अच्छे से, और इसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। काल माने टेंस होता है, काल भूत भविष्य वर्तमान जानते ही हो, इसके कई कई प्रकार होते हैं, वो मैं पढ़ा दूंगी। व्युत्क्रम शब्द व्युत्पत्ति, वाक्य व्युत्पत्ति पढ़ लेंगे हम अच्छे से। पर्यायवाची जानते ही हो, किसी एक शब्द के कई कई नाम होते हैं उसे पर्यायवाची कहते हैं। मुहावरा आपको पता ही है, आँख का तारा होना, है ना, आँख का तारा होना जो है ये मुहावरा है, जिसमें ना ना आता है पीछे वो मुहावरा कहलाता है। लेकिन कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तब वो कहावत होती है, लोकोक्ति होती है, इसको समझ लीजिए। शब्द संयोजन, शब्दों का संयोजन कैसे होता है, शुद्धिकरण कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ें शब्द संयोजन में आती हैं, वो हम पढ़ लेंगे। लोकोक्ति, शब्द युग्म, शब्द का जोड़ा, शब्द जोड़ा माने होता है, जैसे हो गया अंश, एक हो गया अंश और दूसरा हो गया अंश। अब एक का मतलब होता है कंधा, एक माने, इसका माने क्या होता है, कंधा होता है, लेकिन इसका माने होता है भाग, टुकड़ा, ठीक है। तो ये जोड़ा है जो सुनने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसे कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, या शब्द युग्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी भाषा का सिलेबस, 75 नंबर मामूली बात नहीं होती है। और पहले जब टेट हुआ करता था, टीटी हुआ करती थी, तो उसमें सिर्फ 30 नंबर की हिंदी आती थी। आप जो आपका सिलेबस देखा है मैंने बिहार का, तो इसमें 75 नंबर की हिंदी आएगी, बहुत बड़ी बात है। 75 नंबर यदि आपका फिक्स हो गया, तो और जो प्रश्न होंगे उनमें से इंगे तिंगे से भी आ गए नंबर यहाँ वहाँ से भी, तो भी आप क्वालिफाइड हो जाओगे। तो इसलिए हिंदी कंप्लीट कर लो, हिंदी मजबूत कर लो, जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दिया करूँगी, रोज़ एक वीडियो बना के डालूँगी, ताकि आपकी हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, मजबूत हो जाए एकदम से, आप कहीं कन्फ्यूज ना रहो। लेकिन मेहनत, प्रयास मेरा रहेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक टॉपिक के साथ, इसी हिंदी व्याकरण के, तब तक के लिए धन्यवाद।